पंजाब सरकार की दूरदर्शी सोच का असर अब साफ दिखता नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलावों से सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हुआ है, जिसके चलते अब लोग अपने बच्चों के दाखिले प्राइवेट स्कूलों के बदले सरकारी स्कूलों में कराना पसंद करा रहे हैं। इसी पर देखिए डेरा बस्ती से ये खास रिपोर्ट। पंजाब में सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में की गई कोशिशें रंग ला रही है। पंजाब के ज्यादातर जिले में सभी स्कूल स्मार्ट स्कूल बन रहे हैं। इन स्मार्ट स्कूलों के चलते अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी है और दाखिले में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। पहले जिन माता पिता का रुझान सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होता था, अब वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील, मुफ्त ड्रेस, किताबें और इसके अलावा पढ़ाई का सुधरता स्तर बच्चों को और माता पिता को आकर्षित कर रहा है। पंजाब सरकार की ओर से जो नीतियां और कदम उठाए गए, उससे अब स्कूलों में सुविधाएं बढ़ गई हैं और इन सहूलियतों के चलते ज्यादातर छात्र अब यहां पर दाखिल हो रहे हैं। डेरा बस्ती के लालरू के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में अब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। माता पिता भी अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर कराकर काफी खुश हैं और यहाँ की सहूलियतों को देखते हुए वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हमारी बेटी को एडमिशन करवाया जी, हमने अनुरानी है जी उसका नाम, प्लस वन में दाखिल की गई। जिस विंदा स्कूल में पढ़ती थी जी, वहाँ प्राइवेट स्कूल में, वहाँ लुट खसुट ज़्यादा हो रही थी, इस करके हमने सरकारी स्कूल में यहाँ एडमिशन करवाया। यहाँ बहुत बढ़िया स्कूल लगे जी हमें, स्मार्ट स्कूल है ये, यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है जी बच्चों को पढ़ाई के लिए। हाँ जी, हाँ जी, प्राइवेट स्कूलों में तो ये लुट खसुट हो रही है जी बहुत, इस करके हम बच के यहाँ आ गए जी सरकारी स्कूल में। यहाँ फैसिलिटी भी हमें अच्छी मिल रही है जी, हमारे बच्चे यहाँ सही रहेंगे जी। यहाँ पर हमने अपना बच्चा दाखिल किया है जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और हमने यहाँ दाखिल किया है 10वीं क्लास में, इसलिए किया है जी। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी मिल रही है जी, प्राइवेट स्कूलों से खर्चा कम है जी, बहुत सुविधा दी जा रही है पहले से यहाँ, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर बच्चा दाखिल किया। सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बाद ज्यादातर एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं। लालरू स्कूल के प्रिंसिपल परमिंदर कौर ने बताया कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं, उसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स दाखिला ले रहे हैं। पहले यहां लगभग 1000 से ज्यादा एडमिशन होते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 2000 के पार चली गई है और उम्मीद है कि 2200 के करीब एडमिशन यहाँ पर होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में प्लस टू के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से 518 स्मार्टफोन दिए गए थे और जो प्लस टू की एडमिशन हुई है वो 553 हो गई है और इस बार भी हमारे स्कूल के बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों को मिड डे मील दी जाती है, फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है, किताबें मुफ्त दी जाती हैं और स्कॉलरशिप भी दी जाती है, साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था है। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, ये सारी सुविधाएं होने से छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। ये स्कूल मोहाली जिले के मोरी स्कूलों में है, यह जिले का दूजा हाईएस्ट स्कूल है ते और अंबाला दिल्ली हाईवे के बिल्कुल बॉर्डर से, हरियाणा के बॉर्डर से स्कूल पैंदा। इस स्कूल के सरकार वालों बहुत ज़्यादा सहूलत दित्तियां जांदियां ने, जिस तरह के बच्चों मिड डे मील दिता जाता है, जिस तरह लॉकडाउन लग्या रहा तो बच्चों मिड डे मील, क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं आते पर उन्होंने अकाउंट में पैसे पैंते रहे, बच्चों फ्री बुक्स दी जा रही ने और उन्होंने स्कॉलरशिप मिले ने, फ्री यूनिफॉर्म दी है बच्चों, घर तो बुला बुला के उन्होंने कह के किया गया कि बच्चों स्कूल आओ और अपनी यूनिफॉर्म्स लेके जाओ और इस तुम अलावा उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी लगाई गई ने और एससी बच्चों, बीसी बच्चों, माइनॉरिटी के बच्चों स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। लड़कियों वास्ते सेंटरी मशीनस आई ने और उन्होंने सेंटरी पैड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल सरकार वालों। पिछले साल इतने बहुत ज़्यादा एडमिशन बढ़ी है, पहला इतने 1249 बच्चे पढ़ते सी पर हुण इत्थे अज दी डेट विच 2027 बच्चे हो गए हैं ते उम्मीद है कि 2200 तक बच्चे हो जाएंगे। पंजाब के स्कूल लगातार स्मार्ट हो रहे हैं और नतीजा भी देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जो दाखिले की संख्या बढ़ रही है वो अपने आप इसकी सफलता की कहानी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।